भाई साहब ट्रेनें चेंज करनी पड़ती है, मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, और ये तो एकदम अलग ही ट्रेन है, एकदम अलग ट्रेन। मेरे को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 7-11 ऐसा कुछ लिखा है ना खोरोशोवो, वहाँ पे। ओहो हल्की हल्की बारिश हुई है, मौसम तो बड़ा ही सुहाना है, और इनफैक्ट अभी भी थोड़ी बारिश है। तो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ प्रीमियम पोल स्टूडियो, मुझे मिल गया। ये थोड़ा ऐसा खतरनाक होता है गूगल मैप्स के सहारे भी ढूंढने में, बिकॉज जाहिर सी बात है थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फाइनली मिल गया। अभी जाता हूँ, मेरी फ्रेंड जिसने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे कुछ शूट करने के लिए, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं, ठीक है। सो आई गेस ओह शी इज डियाना, तो फाइनली डियाना आई केम। Oh, same here, same here. What are these chocolates? I'll buy one. You can buy it. Hi, Diana. How are you? Hi, I'm fine. So she's Diana, and she invited me to her premium pole studio, which is one of the best pole studio in Moscow, Russia. Right? Right. You're welcome. Okay. So it is completely new concept for me to shoot, because of course in India, in Pakistan, so this is not the familiar thing for you guys. So this is completely new thing for you, and let's watch and let's enjoy. And Diana, once again, thank you so much for inviting to shoot this. कितना अच्छा माहौल बन गया था, मतलब डांस वगैरह अच्छा कर रहे थे, तो एक तरीके से आर्ट है ये। जी हाँ बिल्कुल, एक आर्ट है, और आर्ट के तरीके से ही हमें देखना चाहिए। और ऑफ कोर्स बहुत एफर्ट्स लगती है, बिकॉज आपने देखा वो स्टेप्स वगैरह बहुत टफ है, आसान नहीं है। और म्यूज़िक और यू नो जब वो रहता है म्यूज़िक, तो खैर शायद मैं चेंज कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, आई डोंट नो, बट हाँ वो है कि मज़ा आता है, मतलब वो माहौल बनता है। आपको भी ऐसा डांस करने का मन कर रहा है? मेरे को कितना मन हो रहा था कि मैं भी डांस करूँ। तो गाइस यहाँ से जाने का वक्त हो गया है, काफ़ी शानदार समय रहा मेरा भी, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मैंने भी इन्जॉय करा इतने लोगों से जानकर, अलग अलग देश से आए हुए सब लोग, और तो अलग अलग देशों से आए हुए लोग, ये बेसिकली ट्रेनर थी जो ट्रेन करती है सबको न्यू कमर्स को, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे भी, और सबसे बात करके अच्छा लगा। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन एंड फाइनल टाइम डियाना फॉर कॉलिंग मी, एंड थैंक यू सो मच।
सो इट्स टाइम फॉर मी टू लीव. ओके बाय, टेक केयर. चलो मज़ा आ गया, टाइम अच्छे से स्पेंड हुआ. और वही है, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मतलब क्या रहता है ना कि ये सब चीज़ें हमारे में ना थोड़ा सा कोई कोई लोग टैबू मान जाते हैं. टैबू क्या बोलते हैं, टैबू मानते हैं लोग. बिकॉज आई सी बात है, हमारे कल्चर और उस हिसाब से ना ये थोड़े अजीब चीज़ मानी जाती है पोल डांस वगैरह. और है भी नहीं, और रियली मैं थैंकफुल हूँ कि इंडिया में फ़िलहाल ये पोल डांस वगैरह नहीं है. इट मे टेक अराउंड 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स जब लोगों की सोच बदलेगी, जब न्यू जनरेशन थोड़ा सा आएगा ना, तो क्या रहेगा ना कि न्यू जनरेशन बैलेंस में बिलीव करेगा हर चीज़. तो बैलेंस होना ही बेस्ट चीज़ होती है. और जब बैलेंस होगा तो एक मिनट, तो आप फ़ोन भी किसी को भी कर सकते हो, पता है बैलेंस होता है. बैंक बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होती है सब कुछ. एक मिनट, हाँ तो बैलेंस होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है. और अभी जहाँ से शॉर्टकट से मेरे को एक लड़की लेके आई थी, तो वही शॉर्टकट से वापस नीचे जा रहा हूँ, तो एक सेकेंड होल्ड करना. ओके डन, डन विद द स्टंट. और ये अंकल भी चौंक गए एकदम. तो मैं कह रहा था कि है ना बैलेंस रखा करो. मतलब कैसा रहता है ना, या तो हम कल्चर वैल्यूज़ में इतना डीप हो जाते कि वही चीज़ देखते बाकी सब चीज़ें गलत लगती है, या फिर हम कुछ बुरी चीज़ों में ही घुस जाते, लस्टी थिंग्स या फिर जो भी है. किस मतलब कितने एग्जांपल्स है, मतलब क्या बोलूँ आपको, कि उस चीज़ों में गुम हो जाते जिसकी वजह से हम अपने गोल से पीछे हट जाते. ठीक है, तो हमेशा बैलेंस रखो लाइफ में, हर चीज़ की कदर करो. जैसे ये है, ये एक आर्ट है, ये डांस है, ये एक आर्ट है. और ये बहुत टफ है डांस, सच में काफ़ी ये लोग मेहनत करते हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं दिन के डेली बेसिस पे, तब जाके ये आर्ट में वो लोग महारती पाते. और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में बेसिकली थोड़ी सी जब सोच बदल जाएगी ना लोगों में, तो काफ़ी अच्छा होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब होने चाहिए, नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अच्छा है कि इंडिया में ये सब नहीं है फ़िलहाल, वरना काफ़ी लोग अपने गोल्स भूल जाएंगे. क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही है कि ये चीज़ आएगी तो लोग काफ़ी चीज़ इसी चीज़ में घुस जाएंगे, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए. मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अभी क्या ही बताओ आपको, एक IPL में एक कैमरामैन एक लड़की पे 4 सेकंड क्या फोकस कर दिया, वो रातों रात 3-4 लाख उसके फॉलोवर्स हो जाते. क्यों? क्योंकि पीछे पड़ जाते हैं ना हम लोग भाई, कि कैसे बोलूँ अभी एकदम आम चीज़ हो गया. आज से 2-3 साल पहले और अभी के जनरेशन में, अभी के टाइम में ना काफ़ी चीज़ें फ़र्क है. मतलब मैं खुद सोशल नेटवर्क इतने साल से वापर रहा हूँ, मेरे को भी पता है कि कितने चेंजेस आ गए इन टर्म्स ऑफ हंगर फॉर फॉलोवर्स, इन टर्म्स ऑफ हंगर फॉर फेम. तो काफ़ी चीज़ें हो गई है और काफ़ी लोग अपने गोल्स से 100% भटक गए, 100%. इनफैक्ट मैं कुछ महीनों पहले ही काफ़ी लोगों से मिल भी चुका हूँ ऐसे, कि यार क्या उनकी लाइफ हो सकती है, लेकिन उनकी गोल्स ही नहीं है. और हंसी आती है उन पे कि यार क्या है क्या नहीं है, लेकिन ठीक है अभी क्या बोल सकते हैं. जनरेशन में चेंजेस तभी आएंगे जब एजुकेशन लेवल में सुधार आएगा. एजुकेशन लेवल में कमी है थोड़ी बहुत हमारी, फॉर एग्जांपल सिविक एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन वगैरह, थोड़ा जब ये सुधार आएगा, जब पब्लिक को लगेगा कि यार चलो मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करूँ, मैं खुद को खुश रखने के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन साथ में मेरे गोल को भी उतना ही फोकस दूंगा, उससे ज़्यादा फोकस दूंगा, और मैं अचीव करूंगा मेरे गोल. तो वैसे सब जब थिंकिंग आएगी लोगों में और हार्डवर्क करना चालू करेंगे, तब जाके आई गेस 20 साल होगा वो और लगेगा उस चीज़ को, और उसके बाद सब सही है. और बस इसीलिए ये सब चीज़ें हैं ना यहाँ अच्छी लगती है. यूरोप हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, कैनेडा हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे लोग मेहनती भी है, यहाँ पे लोगों को पता है कि ये चीज़ की लिमिट है इतनी है बस, दैट्स इट. जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन और वो जो क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं देखना है देखना है देखना, वाओ, और फिर वो आदत पड़ जाती सब, ये सब है. मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा, स्टूडियो में जाना, मैंने शूट किया, काफ़ी अच्छा लगा, नए फ्रेंड्स भी बने, और कुछ समझने मिला, कुछ सीखने मिला कि हर चीज़ कितना टफ होता है. और मैंने आपके साथ भी थोड़ा सा मैसेज शेयर करना चाहा, और मैंने किया. मेरे को पता है मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ ये सब मामले में, और सच में मैं नहीं हूँ. एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ जो अभी फ़िलहाल घूम रहा हूँ मौके मिलने पे, और थोड़ा बहुत वीडियो बना देता हूँ. तो बस वही है कि आई होप कि आपको मेरी चीज़ समझ आई जो मैं कहना चाह रहा था. तो अभी यार भूख लगी है,
और वेजिटेरियन के हिसाब से मैंने पहले से ही मैं प्रिपेयर करके आता हूँ, मतलब सब गूगल पे वगैरह सर्च करके आता हूँ कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा रहेगा वेजिटेरियन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक एवोकाडो करके एक है कैफे, रेड स्क्वायर के सामने की तरफ रोड क्रॉस करके थोड़ा सा आगे है 600 मीटर्स की तरफ। तो ये एवोकाडो कैफे जो है, इसकी खास बात यह है कि टोटल वेजिटेरियन है लेकिन डिशेस सब रशियन वगैरह है। तो वियतनाम में भी जब गया था तो होयान में मैंने वियतनाम का पता नहीं क्या खाया था, सूप, वो फेमस सूप, वेजिटेरियन प्योर। तो अच्छा लगता है कोई कंट्री की खास चीज़ आपको आपके फॉर्म में मिल जाए। तो अभी मैं एवोकाडो कैफे एंट्री ले रहा हूँ। अगर इसकी मेन्यू की बात करूँ तो सच में सरप्राइजिंगली काफ़ी इंप्रेसिव मेन्यू है। मैंने सोचा नहीं था इतना इंप्रेसिव मेन्यू रहेगा, सिर्फ गूगल के रिव्यू वगैरह पढ़े थे कि रेट के हिसाब से बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, रेट के हिसाब से भी और मेन्यू कमाल का है, बहुत सारे ऑप्शन है वेजिटेरियन में। और बहुत टाइम लग जाएगा अगर एक एक चीज़ें खाने या बताने भी जाऊँ तो। मैंने फिलहाल यूनिवर्सल चीज़ ली जो मुझे काफ़ी पसंद है, चाहे इंडिया में भी खाता हूँ, ये हमस विद पिटा ब्रेड, ये रहा, जिसका रेट है 290 रूबल्स यानी कि 290 रुपये का, ये है। और अगर आप रशियन फूड खाना चाहते हो तो रशिया की स्पेशलिटी वो मोमोज जैसे ही कुछ होता है, ये है, और इसको बोलते हैं पेलमिनी। आप गूगल में भी चेक करोगे बेस्ट रशियन फूड तो पेलमिनी का नाम आएगा। तो ये है, बट ये मेरे को थोड़ा मोमोज जैसा क्या समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सल चीज़ ही मंगा लेता हूँ। तो अभी जस्ट ये जैसे कि सिम कार्ड का पता लगाया मैंने, तो मैंने ना मेरे पास ओरिजिनल पासपोर्ट अभी लेके नहीं आया हो, तो इन्होंने कहा कि सॉफ्ट कॉपी तो नहीं चलेगी लेकिन दूसरा कोई भी ओरिजिनल आईडी चल जाएगा। तो मेरे वॉलेट में हमेशा आधार कार्ड का एक रहता ही है ओरिजिनल कॉपी, तो उन्होंने बोला चल जाएगा। तो आधार कार्ड से मैं सिम कार्ड ले रहा हूँ